हाउ टू गेट मोर इंटिमेट विदाउट हैविंग सेक्स। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप सही मायने में एक ऐसे व्यक्ति के साथ अंतरंग हो सकते हैं जिसमें सेक्स शामिल नहीं है। अंतरंगता अक्सर भावनाओं में शुरू होती है, इसलिए अपने भावनात्मक संबंध को एक साथ सुधार कर शुरू करें। अपने साथी के साथ असुरक्षित रहें और जब वे बोलते हैं तो वास्तव में सुनने का अभ्यास करें। यदि आप या तो सेक्स को अपने रिश्ते से बाहर रखना चाहते हैं क्योंकि आप तैयार नहीं हैं, या आप अपने रिश्ते को धीमा करना चाहते हैं और इसे और अधिक सार्थक बनाना चाहते हैं, तो आप वास्तव में सेक्स किए बिना अधिक बंधुआ महसूस कर सकते हैं। स्टेप वन, बिल्डिंग इमोशनल इंटिमेसी। एक, संवेदनशील महसूस करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार रहें। भावनात्मक अंतरंगता का अर्थ है कि आपके विचारों और भावनाओं के साथ ईमानदार होना, भले ही वे असहज हों। अपनी जरूरतों, आशाओं और अपने साथी के साथ डर साझा करने के लिए तैयार रहें। जबकि खोलना डरावना हो सकता है, एक अच्छा साथी सहायक होगा और आपको बेहतर समझने की कोशिश करेगा। अपने बारे में खुला होना आपको और आपके साथी को एक दूसरे से सीखने में मदद कर सकता है और एक दूसरे का नए और गहरे तरीके से समर्थन कर सकता है। उदाहरण के लिए, अपने साथी को पेस्ट्री शेफ बनने के लिए अपने सपने के बारे में बताएं या स्नातक की डिग्री प्राप्त करें। दो, अपने विश्वास को एक साथ बनाएं। एक रिश्ते में विश्वास के साथ संघर्ष करने से संघर्ष और असुरक्षा हो सकती है, खासकर यदि आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि आप अपने साथी के साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से खुल सकते हैं। अपने रिश्ते में ईमानदारी को प्राथमिकता दें। आप जो कहते हैं उसका अर्थ और अर्थ कहने का अभ्यास करें। दिखाएं कि आप अपने साथी के लिए वहां हो सकते हैं और नोटिस कर सकते हैं कि वे वहां आपके लिए भी हो सकते हैं। शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका साथी गोपनीयता को महत्व देता है, तो उन लोगों के साथ अपने संबंधों का अंतरंग विवरण साझा न करें जो उन्हें जानते हैं। यदि आप कुछ निजी रखने के लिए सहमत हैं, तो इसे निजी रखें। तीन, जब आपका साथी बोलता है तो पूरी तरह से सुनें। एक ठोस साझेदारी में दो लोग शामिल होते हैं जो न केवल एक दूसरे को सुनते हैं, बल्कि एक दूसरे को सुनते हैं। बोलते समय प्रत्येक की ओर मुड़ें। अपने फोन नीचे रखें और टेलीविजन बंद करें। ध्यान दें कि आपका साथी गैर न्यायिक तरीके से क्या कहता है और सहायक प्रतिक्रिया दें। आपको यह भी महसूस करना चाहिए कि आपका साथी आपकी बात सुनता है। आप यह जानकर अंतरंगता का निर्माण कर सकते हैं कि आप अपने दिल की बात कह सकते हैं और अपने शब्दों के लिए आलोचना नहीं कर सकते। अपने साथी के साथ सक्रिय सुनने का अभ्यास करें और यह जानकर कि आप एक दूसरे को सुनने और समझने के लिए भरोसा कर सकते हैं। चार, व्यक्तिगत प्रश्न पूछें। अपने साथी के आंतरिक जीवन को जानें। प्रश्न पूछने से आप में से प्रत्येक को खुलने में मदद मिल सकती है और सोच सकते हैं कि आप पर क्या प्रभाव पड़ा है, आपको क्या प्रेरित करता है और आप एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। अंतरंगता और साझा करने को प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न पूछें। चार, ओपन एंडेड प्रश्न पूछने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप उत्तरों पर विस्तार से चर्चा कर सके और कुछ चर्चा का निर्माण कर सकें। जैसे सवाल पूछें, यदि आप किसी को भी चुन सकते हैं तो असली या काल्पनिक, आप किसे चुनना पसंद करेंगे और क्यों, और यदि आप कर सकते हैं तो आप अपने छोटे स्व को क्या कहेंगे, आप अपने पुराने स्व को क्या कहेंगे। उद्धरण चिन्ह, अपने रिश्ते के बारे में भी सवाल पूछें। उदाहरण के लिए, आपको क्या लगता है कि हमें एक साथ महान बनाता है, हम अपने संचार को कैसे सुधार सकते हैं और आप हमारे रिश्ते में क्या करना पसंद करते हैं। पांच, अपने साथी से मदद के लिए पूछें। यदि आपके पास एक बुरा दिन था तो सहायक व्यक्ति की तुलना में आराम करने के लिए लगभग कुछ भी नहीं है। अपने साथी के सामने मदद मांगना या रोना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनका समर्थन महसूस करना अक्सर जोखिम के लायक होता है। इसके अलावा, आप सीख सकते हैं कि वे कोई हैं जिन्हें आप मुश्किल समय में भी आपके लिए होने के लिए गिन सकते हैं। उदाहरण के लिए, कहो, मेरे पास बहुत कठिन दिन था, क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। स्टेप टू, बीइंग फिजिकल विदाउट सेक्स। एक, हर मौके को लपक लेते हैं। कुडलिंग आपके कपड़े उतारने के बिना संपर्क करने और करीब महसूस करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।
चाहे आप एक साथ फिल्म देख रहे हों या बिस्तर पर लेटे हों, पहुंचें और अपने साथी के चारों ओर अपनी बाहों को लपेटें ताकि आपको एक साथ शारीरिक निकटता महसूस हो। अपने साथी के हाथ को पकड़ो, अपने हाथ को उनकी कमर या कंधे के आसपास रखें और अधिक स्पर्श को शामिल करने का प्रयास करें। कभी कभी एक व्यक्ति को संपर्क शुरू करना पड़ता है। दो, एक लंबा हग शेयर करें। हगिंग तनाव को कम करता है और आपके साथी के बीच संबंध बढ़ाता है। अपने साथी को गले लगाने की आदत डालें और जब आप एक साथ आते हैं और अलग हो जाते हैं, उदाहरण के लिए सुबह काम या स्कूल जाने से पहले अपने साथी को गले लगाएं और जब आप उन्हें पुनर्मिलन के बाद देखें, जैसे कि स्कूल या काम के बाद एक दूसरे को देखना, अपने साथी के चारों ओर अपनी बाहों को लपेटकर एक ठोस आलिंगन दें और इसे तुरंत न जाने दें। यदि गले लगाना स्वाभाविक रूप से आपके साथी के लिए नहीं आता है, तो सीधे गले लगाने के लिए कहें। तीन, एक साथ सांस लें। साथ में सांस लेना शारीरिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे को छूने के बिना भी अंतरंग हो सकता है। एक दूसरे से बैठे हुए और एक दूसरे का सामना करना शुरू करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें और अपनी आंखें बंद करके सांस लें। जब आप तैयार महसूस करते हैं, तो अपनी आंखें खोलें और अपने साथी के पेट को उनकी सांस के साथ चलते हुए देखें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, वह हवा आपके साथी की सांस लेने वाली हवा बन जाएगी। आप एक साथ सांस लेना शुरू करते हैं या नहीं, आपको अपने साथी के साथ तालमेल बैठाना चाहिए। आपके द्वारा इस अभ्यास को पूरा करने के बाद बात करने का एक शानदार समय हो सकता है और उन गहरी बातचीत हो सकती है जो अन्य स्थितियों में इतनी कठिन लगती हैं। चार, एक साथ आंखें बंद करो। एक दूसरे को देखना प्यार और संबंध का संकेत हो सकता है। कन एक बार जब आप और आपका साथी आंखें बंद कर लेते हैं, तो आप कमजोर या थोड़ा भयभीत महसूस कर सकते हैं। कनेक्शन या कदम को शर्मिंदा या डरा हुआ महसूस करने के बाहर रखें और अपने साथी पर ध्यान केंद्रित करें। पहचानें कि आप सुरक्षित और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं तब भी जब आपका साथी आपको देखता है कि आप कौन हैं। अपने साथी के साथ आंखें बंद करके कुछ समय बिताएं। एक दूसरे से बैठें और एक दूसरे की आंखों में देखें। 30 सेकंड के साथ शुरू करें, फिर समय को ऊपर ले जाएं जैसा कि आप सहज महसूस करते हैं। 5, पूरी भावना के चुंबन। अपने चुंबन पैक में ले जाया गया है, जुनून है कि एक अच्छा चुंबन या मेकआउट सत्र से आता है वापस लाने। चुंबन विशेष रूप से दीर्घकालिक संबंधों में अंतरंगता में सुधार के लिए योगदान कर सकते हैं। जोड़े जो अधिक बार चुंबन संबंध संतुष्टि के उच्च स्तर की सूचना दें। अपने साथी चुंबन के विभिन्न प्रकार दें। उदाहरण के लिए होठों पर चुंबन, गाल, गर्दन, हाथ और शरीर के अन्य भागों की यौन संबंध रखने के लिए नेतृत्व नहीं करेंगे, पर 6, अंतरंग स्पर्श की कोशिश करो। आप सेक्स नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी यौन गतिविधियां हैं जो आप एक साथ कर सकते हैं जिसमें वास्तविक अधिनियम के बिना समान भावनाओं और संवेदनाओं के कई शामिल हैं। उदाहरण के लिए एक दूसरे को स्पर्श, एक दूसरे के शरीर को चूम और एक दूसरे को चाटना। ये क्रियाएं आपको अंतरंग होने की अनुमति दे सकती हैं, बिना सेक्स के कुछ परिणामों के बारे में चिंता किए बिना। अपने साथी के साथ अपने आराम के स्तर के बारे में बात करें। यदि आप उद्देश्यपूर्ण रूप से सेक्स से परहेज कर रहे हैं, तो शारीरिक रूप से अंतरंग तरीके से संबंधित के लिए विशिष्ट सीमाएं बनाएं। उदाहरण के लिए आप आरामदायक चुंबन लेकिन बंद अपने कपड़े लेने के नहीं हो सकता। स्टेप 3, हैविंग फन वाइल बिल्डिंग इंटिमेसी। 1, कुछ नया करने की कोशिश एक साथ। कुछ नया करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और आप अपने और अपने साथी का एक नया पक्ष दिखा सकते हैं। आप पा सकते हैं कि आप ऐसी चीज का आनंद लेते हैं जिसे आप कभी नहीं जानते थे कि आप आनंद ले सकते हैं, या अपने साथी के बारे में कुछ ऐसा खोज सकते हैं जिस पर आपने कभी गौर नहीं किया है। एक नया अनुभव जोड़ने से आप करीब महसूस कर सकते हैं और नए अनुभव पर बंधन में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बॉक्सिंग क्लास, रेस गो कार्ट्स या डांस क्लास आजमाएं। अपने अंतरंग वार्ता से अपने ज्ञान का उपयोग उन गतिविधियों के साथ करें जो आप दोनों का आनंद लेंगे। वैकल्पिक रूप से आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं जो आप में से किसी के लिए विशेष हो। 2, एक तिथि में कुछ एड्रेनालाइन जोड़ें।
थोड़ा एड्रेनालाइन आपको अपने साथी के प्रति अधिक आकर्षित महसूस करने और अंतरंगता की भावनाओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है। कुछ मजेदार करने की कोशिश करें और शायद एक साथ थोड़ा जोखिम भरा भी। उदाहरण के लिए स्काईडाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग या जिप लाइनिंग आजमाएं। उच्च उत्तेजना वाली स्थिति में कुछ करने से जोड़े अधिक बंधुआ और एक साथ महसूस कर सकते हैं। 3. थोड़ा डरावना कुछ करो। जब आप बहुत अधिक समय तक डरना नहीं चाहते हैं, तो आपको और आपके साथी को एक दूसरे की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक छोटे भय कारक के साथ कुछ करने में मजा आ सकता है। यह जानकर कि आप भावनात्मक समर्थन के लिए अपने साथी पर भरोसा कर सकते हैं, आपको उनके करीब महसूस करने में मदद कर सकते हैं और उन पर भरोसा करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रेतवाधित घर पर जाएं या एक साथ अंधेरे में टहलें। 4. पुरानी तस्वीरों को एक साथ देखें। मेमोरी लेन के लिए एक यात्रा करें और अपने आप को अपने साथी के लिए एक छोटे संस्करण को उजागर करने के लिए खोलें। अपने बचपन की तस्वीरों और उन लोगों को देखना जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे, एक बहुत ही अंतरंग कार्य है। जब आप उन चीजों पर चर्चा करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं और जो घटनाएं और लोग आपको नेतृत्व करते हैं वे आप कौन हैं, तो आप अपने साथी के लिए बहुत सी कमजोरियों को प्रकट करते हैं। अपने गृहनगर के आसपास अपने साथी को दिखाएं और बड़े होने से यादों के बारे में बात करें। फिर उन्हें आपसे वही करने के लिए कहें। परिवार के सामान पर चर्चा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। टिप्स: एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें। अपने सहित एक दूसरे की तारीफ करते हैं। किसी भी स्पर्श या अंतरंग गतिविधि में आपके साथी से स्पष्ट सहमति और उत्साह होना चाहिए। बिना अनुमति के स्पर्श करना दूसरे व्यक्ति की सीमाओं का उल्लंघन है। चेतावनी: इनमें से कुछ टिप्स से आप सेक्स कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं है तो कहो। बोलने से डरो मत।